बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी प्रेस शुरू करने से पहले पाकिस्तान की पूरी कौमी पॉलिटिकल लीडरशिप, दोस्त, अवाम, हमारे वर्कर, दूसरी पार्टियों से जिन्होंने मेरी बहन की वफात पर इजहार तहजीद किया और जिस प्यार का इजहार किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शुक्रिया के लफाज नहीं है जिस अंदाज से उन्होंने प्यार दिखाया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आपको याद है कि जब कभी इंडिया की बात आती है, वो एक नेशनल सोच के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ मैं हमेशा सबसे आगे आके बयान भी करता हूँ, और जो हकीकत है ये कहते हुए कि इंडिया मुझे चैलेंज कर ले किसी जगह पे भी, मैं उसको साबित करूँगा कि मेरा हर कहा हुआ अल्फाज एविडेंस के साथ होगा। मुझे अफसोस हुआ इंडियन एक मिनिस्टर की बात सुन के कल, जो जाते हुए मैं क्लिप दे दूंगा, वो कहता है कि इंडिया में इक्वालिटी कोई नहीं है। इट इज सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स के इक्वल्स विद एन इक्वल्स। आई आस्क यू, सॉरी टू से यू हैव अ ब्रेन, वेयर डिड यू प्रोड्यूस यू इक्वल्स? इक्वल्स को भी तो आपने कहीं से निकाला होगा। क्या उनके लिए मां बाप डिफरेंट हैं? क्या उनका ब्लड डिफरेंट है? मिस्टर मिनिस्टर, दैट यू आर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड ऑल्सो विद इन हिंदूज। आई होप कि जो जिन हिंदुओं के साथ आप इस किस्म का सलूक कर रहे हैं, दे विल थ्रो यू आउट ऑफ योर सीट बिकॉज यू हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट ह्यूमैनिटीज। अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल पैदा किया है। रेड है ब्लड का जो कलर है, और हम एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटी के तौर पे हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने जिस तरीके से आरएसएस को आगे लेके आए हो, वो सबके साथ सामने है। जब आरएसएस की बात होती है तो मैं याद दिला दूं कि मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मोदीज वॉर डॉक्ट्रिन, और ये मैंने 2019 में लिखी थी। और इसमें जो पुलवामा का अटैक हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था, और मैं 16 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट एंड गूगल रिसर्च एंड ऑफ कोर्स सम सोर्सेज विच हैव कॉल्ड मी फ्रॉम इंडिया, नॉर्मल इंडियंस, दे हैव कंफर्म्ड कि ये पुलवामा तुमने करवाया है, तुम्हारी राह ने कराया, तुम्हारी फौज ने कराया। मुझे अफसोस हुआ कि आपने 40 फौजी मरवा कर पुलवामा में, और ऐसे आंसू बहा रहा था मगरमच्छ के लगता था इतना, इससे ज़्यादा कोई इनका कोई हमदर्दी नहीं है। आज मुझे ये कहते हुए मैं अप्रिशिएट करूंगा अनुराग गोस्वामी को। आपको याद होगा उसने मेरा एक इंटरव्यू लिया था और बड़ा झगड़ा हुआ। इज अ गुड स्पीकर, और उसका एक तरीकाकार है कि वो जो आगे बोल रहा होता है उसका क्लाइंट उसको दबाता है। आई न्यू इट। तो मेरी जब ये मैंने सवाल किया पुलवामा वाला, तो उसने ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही कुडंट रिस्पॉन्ड। मैंने कहा ये करवाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने, क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि इलेक्शन में एंटी मुस्लिम फीलिंग इंडिया में कराए और इलेक्शन जीते। दूसरा वो इसलिए कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे वो सरहदों को गर्म करेगा। गर्म हुई। फिर मैंने कहा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना मारेगा एक फिल्मी अंदाज से, वो मैंने लिखा हुआ है, आपने देखा वो हुआ। उसके बाद आपने ये भी देखा, मैंने कहा कि ये हमें आइसोलेट करने के लिए दुनिया में ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा, पैसा खर्च करेगा, कंपनियां बनाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी किताब कह रही है 2019 में, जो डिसइन्फो लैब है ये उसका हिस्सा था। ये सारी चीजें मैंने कही, कुछ लोग मुझसे मुत्तफिक नहीं हुए। मैंने कहा कि अगर मोदी वापस पावर में आ गया तो कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बहुत बुरा सलूक करेगा, और पाकिस्तानी सरहदों के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ वो हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इसी किताब में मैंने जिक्र किया कि ये बलूचिस्तान में पैसे भी खर्च करेगा, हमारे लोगों को साथ मिलाएगा, और फिर आपने देखा कि उसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यू पाकिस्तानी विल टीच यू लेसन थ्रू बलूचिस्तान। ये जो हमारे 7-11 शिया दोस्त शहीद हुए
वो भी आपके सामने है। ये सारी उसकी एक की हुई बकायदा प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी, और मैं ये ओपनली कह रहा हूं इंडिया को कि जो मैं कह रहा हूं मुझे लेके चलो कोर्ट में, कहीं दुनिया में मैं साबित करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। ये मैंने आज नहीं लिखी, ये पूरी दुनिया में है इस वक्त की किताब। इसका सारा बाय द वे जितनी प्रोसीड आ रही है, मैं इसकी मशहूरी नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी शोधा फंड में जा रही है। और ये दुनिया के हर जगह बड़े बुक्स में हर जगह ये मौजूद है, और ख़ास तौर पे ये अब जो इंटरनेट पे जहाँ किताबें जिन जिन में बिकती हैं वहाँ पे भी ये मौजूद है, तो आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं। इंडिया ने इस किताब को कोशिश की कि ये बैन हो सके, और इन्होंने कोशिश ये भी की कि जो इंटरनेट की सर्विस है उसमें ना आए, और 11 लोगों का एक रुकनी कमेटी बैठी जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये फिर अमेज़न में आ गई कोशिश के बावजूद कि अमेज़न में ना आए, क्योंकि इसे मैंने सारा वो कुछ लगाया हुआ है, ये इंडिया के लिए रेफरेंस बुक है जो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा। मुझे अफसोस हुआ, खैर डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जब ये मैंने किताब लिखी मैंने कुछ 10 आर्टिकल लिखे, एक पुलवामा पे एक फैक्ट शीट दी, तो हुकूमती अरकान का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लड़ाई नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान में अब दोबारा मोदी आ गया तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आई वुड लाइक टू आस्क दैट लीडरशिप, प्लीज डू कंसिडर। और जहां से ही हुआ उसको थोड़ा सा ड्यू, उसका जो बनता है क्रेडिट वो जरूर दें। ये हिंदुस्तानी ने नहीं किताब लिखी, पाकिस्तान के रहमान मलिक ने किताब लिखी, और उस पर लिखी जब आप लोग सोच नहीं सकते थे, मैंने हर चीज को वाजिया किया। आपको याद है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक डॉक्ट्रिन दी, उसमें भी यही चीजें आई, और जिस अंदाज से आर्मी चीफ ने जनरल बाजवा साहब ने कहा कि इंडिया हमारे पीछे है, हर जगह हमें लड़ेगा और हम आगे से लड़ेंगे। और मैं आज ये बता दूं कि आज अगर हमारी आर्मी आज 10 नंबर पे आई है, पूरी वर्ल्ड में 10 नंबर, वी हैव अचीव्ड अ मैक्सिमम, और ये बड़े कम मुल्कों के लिए फख्र होता है। आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ आर्मी चीफ को फॉर अटेनिंग सच अ हाई पोजिशन इन द वर्ल्ड, और इससे हमारा दिल पड़ता है। जब हमारी फौज की नेक नामी होती है दुश्मन दहलता है, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ना पहले हमारा दोस्त था ना आगे दोस्त होगा। तो मैंने ये अर्ज कर रहा था, इस किताब के मैंने जो मेन पॉइंट लिखे वो ये था कि इसमें एक इन्फ्लुएंस कुलभूषण को भी, कि कुलभूषण का केस चलेगा तो ये पुलवामा हो जाएगा तो कुलभूषण को थोड़ी कोई इजी कर देंगे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो वहां भी कहेंगे देखो जी धमाका करा दिया पाकिस्तान में, यू आर अ लायर, अ बिगेस्ट लायर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये देख लेना तुम्हारा हाल, आर एस एस वही करेगा जो आज कश्मीरियों के साथ तुम कर रहे हो। विकास जुल्म जो है वो ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, जुल्म बोलता है। जो कश्मीर में तुम जुल्म कर रहे हो, आज 550 दिन हो चुके हैं कर्फ्यू है, तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए ह्यूमैनिटी का, द वे यू आर कमिटिंग ब्रुटैलिटीज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, मुझे समझ नहीं आती कि यूएनओ इसके मतलब क्यों नहीं बोल रहा है। उसके बाद में इसने ये भी कहा टू यूज एंटी पाकिस्तान फीलिंग इन हिज इलेक्शन, इस्तेमाल की। इसके अलावा जो मेन पॉइंट थे वो ये मैंने दिए हैं आपको, मैं पढ़ना नहीं चाहता, 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें उस वक्त कही थी कि इंडिया ट्राई करेगा हर चीज, इवन अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको भी ये डिस्टेबलाइज करेगा, ये फैक्ट ऑफ में हमारे खिलाफ और झूठ बोलेगा जाके बोला। फिर ये कहा था मैंने कि इंडिया जो है वो LOC पे खास तौर पे प्रेशर बढ़ाएगा, बढ़ाया। मैंने इसमें ये लिखा कि इंडिया इंजीनियर करेगा अटैक्स इन अफगानिस्तान और नाम पाकिस्तान का लगाएगा, और ये करेगा इंडिया वहां की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर। आपने देखा वो हुआ, अगर कोई चीज गलत आए बताए मुझे, आई एम एड्रेसिंग डायरेक्टली द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम एड्रेसिंग द चीफ ऑफ रॉ, आई एम एड्रेसिंग देयर सिक्योरिटी एडवाइजर डोल, कम एंड टेक माई चैलेंज कि जो मैं कह रहा हूं ये गलत कह रहा हूं। आपने डिसइन्फो लैब बनाया, 110 मुल्क आपने यूज किया हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। और एक चीज मैं और अर्ज कर दूं जो सबसे इस वक्त खतरनाक बात है जो मैं कर रहा हूं, CPAC, इसमें इंडियन कंपनियां जिनकी मेजर शेयर होल्डर है पावर जनरेशन में, उनको मैंने आइडेंटिफाई किया, अभी मैं नहीं बताता लेकिन मैं एक प्रेशर करूंगा, वो इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही है।
एक दो हो चुकी हैं, इसराइल उनके साथ है, लिहाजा मैं ये पहले इंटेलिजेंस को लिखूंगा, फिर मैं पब्लिक करूंगा ताकि ये उन पे हाथ डाल सकें इसी वक्त जो सामने है। फिर मैंने ये भी कहा था कि साइबर क्राइम के अटैक होंगे, 4000 साइबर क्राइम का अटैक हो रहा है। सीपी का ईपी इसी काउंसिल एक दो हैकर इंडिया को उन्होंने बनाई थी, जिन्होंने हमारा इलेक्शन जो सॉफ्टवेयर था उसको सर्टिफाई किया, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं कोई जबानी बात नहीं कर रहा हूं। और यही दो हैकर इन्होंने मिडिल ईस्ट में तकरीबन सारे मुल्कों की हैकिंग करके एक दूसरे को बेची, ये भी मेरे पास प्रूफ है, लोग भेजते हैं मुझे, ट्रस्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इसके सिलसिले में अगर कोई पाकिस्तानी जो अच्छी तरह से जानते हैं इसको आईटी को, अगर वो पाकिस्तान की मदद की आ सकते हैं और इंटरनेट पे इसको जो अटैक करे, हुकूमत तो कोशिश कर रही है, अगर वो भी सामने आए और कोई तरीकाकार दिखाए हुकूमत को भी, हमें भी, हमारी कमेटियों को, ताकि हम आगे चले। मैंने ये भी कहा था कि ये साइबर क्राइम सिर्फ महदूद नहीं होगा इलेक्शन से तक, ये हमारे स्टेट बैंक में हो रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्रियों में हो रहे हैं, स्टेट बैंक में बैनी टाइम, इवन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो इस वक्त वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को नॉट ओनली पॉलिटिकली डिसेबल अब्रॉड, ये भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी इकॉनमी किसी तरीके से दबाओ। मुझे अफसोस हुआ, अफसोस साथ कहता हूं, जो भी है इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मिल बैठ कर काम कर रहे हैं, इतना कुछ कर दिया कांग्रेस के साथ, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है कांग्रेसमैन भी हमारे खिलाफ ही बोलेगा। अफसोस दर अफसोस आज हम सियासतदान दस्तों गरीबा हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, हमें इंडिया के साथ लड़ना चाहिए, हमें कॉमन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आज ही मैं कहूंगा इमरान खान साहब से, देखें मैंने पहले दिन कहा था कि अपनी ईगो को छोड़ दो, पाकिस्तान की बात करो। अब पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है और जिस अंदाज इंडिया हमें लपेट रहा हर चीज में, वो हमारे लिए आने वाले वक्त और हमारी नस्लों के ठीक नहीं है। आई होप कि आप सारी लीडरशिप को लेके बैठो, देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक है अवाम का मफाद, जो इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आप ले लें फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इस पे बैठ जाए। बाकी इलेक्शन कब हुए, इलेक्शन कब कराने हैं, किसी को कब निकालना है, ये एक सेपरेट एक कर लें सीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी इज्जत कम हो जाएगी ना किसी और की इज्जत कम होगी। और देखो किसी ने बहुत दफा कहा था, इवन आपको याद आएगा बिलावल भुट्टो जरदारी और यंग चेयरमैन, उन्होंने कहा जी आप चले हम आप पीछे हैं पहले दिन और आपका साथ दें, लेट्स हैव अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या जवाब मिला उनको, कुछ नहीं, उसके खिलाफ कैसे बना दिए गए। आप देखें मैं ये समय इस पूरे माहौल को, अगर मेरी ये नहीं कि मैं आसिफ जरदारी हमारी पार्टी के लीडर हैं और हमारे चेयरमैन हैं, ये काम उनको सौंप दें, प्राइवेटली सौंप दें, और पाकिस्तान में कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए, अगर वो आगे ये असाइनमेंट उनको दी जाए तो हम जैसे वर्कर उनकी मदद करेंगे, पूरा पाकिस्तान मदद करेगा, आए आगे बढ़े, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें। आज डॉलर पहुंच गया आपका 161 रुपए और मैं डरा ही रहा हूं पब्लिक को, ये जाएगा 180 पे, कौन रोकेगा, रोकने की हिम्मत ही नहीं है। 3 ट्रिलियन रुपीज पिछले चंद दिनों में, हफ्तों में छापा गया, आपका इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला गया, ग्रोथ रेट नीचे चला गया, और आपकी जो आ रही है इंपोर्ट वो बढ़ी और एक्सपोर्ट कम होगी, तो क्या बनेगा आपका, किधर जाएंगे हम। आए आगे बढ़े, सोचें हम ग्रोथ रेट कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे हैं। और मैं ये बताता हूं माय डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कुछ चीजें वक्त पे की हुई फायदामंद होती है, और ये मैं जो तवीज आपको दे रहा हूं ना, ये आपको जो मैं तवीज बता रहा हूं, ऐसे तवीजों से हमारी हुकूमत चलती रही, हमने बड़ी बड़ी मुश्किलात का मुकाबला किया, आप भी बैठे इनके साथ। ये जो आपको कहते हैं ना बैठे, वो उनकी अपनी दुकान खराब होती है, आपके ही साथी कहते होंगे छोड़ेंगे आप नीचे लग जाएंगे, और कोई सियासत में कोई नीचे नहीं लगता, सियासत नाम ही मिलने का है, सियासत नाम ही कंसेंसस का है, सियासत नाम ही बातचीत का है, अगर सियासत में बातचीत नहीं है तो फिर देन इट्स अ डिक्टेटरशिप। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो ये प्लीज सारी चीजें पब्लिक करें, ताकि कुछ लोगों को पता चले कि हमने बहुत काम किया था और इंडिया आगे क्या करने वाला है। ये मैंने उस किताब के जो हिस्से हैं जो इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको मैं दे रहा हूं, तो बेसिकली मेरा आज यही था कि इंडिया अभी बाज नहीं आने वाला।
अभी अभी फैट एफ में दोबारा जा रहा है, हमारे खिलाफ हरकत करेगा। हमें चाहिए मिलके बैठ के जॉइंट हाउस में पार्लियामेंट में एक करारदाद पास करें इंडिया खिलाफ बेस्ड ऑन इट। लास्ट मैं ये कहूंगा, बस दो मौके आए थे, एक इन्फो डिस इन्फो लैब वाला, और मैंने कहा था इंटरपोल से इन्वेस्टिगेशन करके प्राइम मिनिस्टर चले, जो कागजा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरा अभी ये आया है, उनका अपना टॉप मोस्ट एंकर जो के मोदी का आप कहते हैं ना यारे यारे गार था, और उसके साथ इसने सारी स्ट्रेटेजाइज किया था, उससे झगड़ा कैसे हुआ वो एक लंबी स्टोरी में बांधता हूं जो मेरे पास आई है। लेकिन जिसने पुलिस ने इसको मारा पीटा सिर्फ 80 लाख के पेमेंट में, वो जरा कपड़े शपड़े खरीदता था लेकिन उधार लेता था गालिब की तरह, और बहरहाल मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि एटलीस्ट इंडिया से एक तो उठा जो मोदी को जिसने एक्सपोज किया, और अगर मेरे मुल्क में होता तो मैं उसको एक मेडल जरूर देता एक काम करने का, मोदी को एक्सपोज करने का। अभी भी हमें यूएन में जाकर यह रजिस्टर कराना चाहिए कि इसको हमने पहले एक्सपोज किया था, अथेंटिक एक किताब है, और सॉवरन स्टेट पे जिसने अटैक किया वो भी हिस्सा है, मीडिया का भी हिस्सा है, हमारा भी किताबों का हिस्सा है, और जितने बड़े पेपर हिस्सा है, और टीवी चैनल्स का भी हिस्सा है, इंडिया की टीवी चैनल्स का भी हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी फौरन यूएन में ये रजिस्टर कराना चाहिए कि इन्होंने सॉवरन स्टेट पर हमला किया, ये झूठा इल्जाम लगाया, अब ये झूठा इल्जाम गलत साबित हुआ है, लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ब्रिंग हिम अंडर प्रेशर। नंबर टू जो जरूरी है, उसका जो इन्फो डिस इन्फो लैब है उसमें अभी तक ये पार्लियामेंट यूनियन जो ईयू में नहीं गए, जाकर उनको नहीं बताया कि आपका सॉयल मिसयूज होता रहा, किसी मुल्क का बगैर उसके पूछे एक क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए उसका सॉयल इस्तेमाल करना ये एक क्रिमिनल एक्शन है, और इस पे यूरोपियन यूनियन इंडिया के खिलाफ एक्शन ले सकती है। पहली मेरी डिमांड यूरोपियन यूनियन से, जो कि मैं इनके एम्बेसडर को मिल रहा हूं, आई कॉल अपॉन दी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, प्लीज डिस्कस दिस मैटर ऑफ डिसइन्फो लैब एंड द पार्लियामेंट एंड बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिया टू इंटायर यूरोपियन यूनियन। दे हैव मिसयूज योर सॉयल, दे हैव ब्रॉट यू बैड नेम, इफ यू विल नॉट टेक एक्शन परहैप्स वंस अगेन दे विल डू इट। जी एक बार से एक तरफ सुनोगा आप कर ले जो आप कर। जिस तरह डिसइन्फो वाली सूरतेहाल हुई है और पुलवामा लीक्स हुई है, इससे बेहतर जो आज हमारी पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकी, इंग्लिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो तो हमसे ज्यादा तो उन्होंने एक्सपोज किया इंडिया को, आपने देखा ही होगा। तो कहां ले कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट? देखे मैं ये कह रहा हूं, हिम्मत पकड़ो, डिफेंसिव पे मत रहो, ऑफेंसिव हो। जो कमें ऑफेंसिव होती हैं वो दुनिया में तरक्की भी करती हैं, अपना नाम भी आगे करती हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि अगर इमरान खान सुन रहे हैं या उनका मीडिया उनको येगा, मेरी उनसे अपील होगी कि फॉर गॉड सेक टेक दीज टू मैटर्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी विद योर लायर्स। अभी हमारी पोजिशन खराब हो रही है, हर जगह हम हार रहे हैं। मैं ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, बहसीयत एक इन्वेस्टिगेटर थोड़ा सा मैं रिकॉर्डेक को भी जानता हूँ, ब्रॉडशीट को भी जानता हूँ, आगे एक दो केस और आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो मैं अभी नहीं बताना चाहता। पाकिस्तान के लिए जो इंडिया कर रहा है, आप अंदाजा करें कि उन वकीलों से भी ये वास्ता रखते हैं जहां हमारे पाकिस्तान का केस चल रहा होता है, इसलिए को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यार हमारे यहाँ तो इतने लायक और फाइक लोग हैं, वो आप साइंटिफिक फील्ड पर चले जाएं, आप वकालत की फील्ड पर चले जाएं, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ते? प्राइम मिनिस्टर आज ऐलान करे आपको 20 लायर फ्री में आके डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं उसको, मोदी को आप लेके चले लॉ मिनिस्टर को, मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगा मोदी को विद एविडेंस, और देखते हैं कैसे भाग के जाता है वहां से। तो लिहाजा अगर हमने यही तरीका रखा, डिफेंसिव रहे, और सॉरी टू से जो कौमें डिफेंसिव हो जाती हैं उनके लिए यही प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे यहाँ हैं। मेरी मीडिया से अपील होगी कि जो पुलवामा के वक्त
मोदी बोला था, अब मोदी जिस तरह पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा था, आज अनुराग गोस्वामी जो बता रहा है उनको दोनों को स्टेटमेंट बना के चलाए तो सही जरा, मेरी भी अगर इजाजत हो तो मेरी भी चला दे, बता दे, मैंने पहले ही बता दिया था, यानी इलेक्शन होने से पहले की है मेरी किताबें, तो मुझे इल्हाम नहीं था, मैंने रिसर्च की थी, मेरी असेसमेंट थी, आफ्टर ऑल आई वाज इन्वेस्टिगेटर, मैंने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हेड किया, छोटा मोटा मिनिस्टर भी मैं रहा हूं, तो उस बेसिस पे मैंने ये सारी असेसमेंट की थी कि ये होने वाला है, और आई एम ग्लैड कि जो लोग मैटर करते हैं इस मुल्क में दे हैव अप्रिशिएटेड दैट। जी जी, आप जो कहते रहे, जो आपने अपनी किताब में लिखा वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई और भारत बेनकाब हो गया। ये बताइए कि अभी जो यूनाइटेड नेशन जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की 3 कमेटियों का भारत को जो है वो सरबना बना दिया गया, तो अब इसके बाद आप हुकूमते पाकिस्तान, हमारा फॉरन ऑफिस और फिर जो भारत का जो डिजिटल जो सिस्टम है उसको कंपेयर एज कंपेयर टू पाकिस्तान, आप उसको किस नजर से देखते हैं और हुकूमते पाकिस्तान को इन ग्राउंड्स के ऊपर क्या इकदाम करना चाहिए? ठीक, आपका क्वेश्चन काफी अच्छा और उसमें वजन है। बेसिकली अगर वो 3 कमेटियों के मेंबर बन चुके हैं तो मैं कहूंगा ये मेरी फेलियर है, रहमान मलिक की भी फेलियर है, पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की फेलियर है, फॉरेन ऑफिस की फेलियर है। शायद आप ये आपको भी पता होगा, आप फिगर्स डोंट काउंट, ब्रेन काउंट्स, व्हाट यू स्ट्रेटेजाइज, हाउ यू अप्लाई इट, और उनकी स्ट्रेटेजी हमसे बेहतर है। वो पैसा कम लगाते हैं इधर उधर, उनके लोग भूखे मरते हैं, चाय भी नहीं मिलती उनको, गुजारा करते हैं, लेकिन आपने देखा उन्होंने आईटी जोन बना के पूरे अमेरिका को अपनी तरफ खींच लिया, यूरोप पूरे को अपनी तरफ खींच लिया, और आज वो पूरी आईटी जो सेक्टर है उसको कंट्रोल वो करते हैं। आपको पता है कि इसी एक कंपनी है जिसको 2 हेड करते हैं, इंडियन हैकर्स, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं दुनिया पूरी के सामने है। तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत को जो फंड्स हैं डाइवर्ट करके आईटी की तरफ, और एक और अर्ज करूंगा आपको साथ ही कि इस वक्त वैक्सीन की बहुत जरूरत है पाकिस्तान में, और जिस अंदाज से लोग मर रहे हैं आपके सामने, हमें कोई पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमें से कौन शिकार होगा, अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन इसका इलाज इसको वैक्सीन है। चलो आप फाइजर की नहीं सपोर्ट कर सकते, आपको चाइना तो देने के लिए तैयार है, लिखाए वो, आप ये कह के बड़े खुश हैं कि हमने 11 लाख जो है वो वैक्सीन मंगवा ली है, और व्हाट अबाउट द पीपल, व्हाट अबाउट द कॉमन मैन, व्हाट अबाउट द मीडिया, जहां आप आज मैं डिमांड कर रहा हूं कि जहां आप वर्कर्स की बात करते हो, मेडिकल वर्कर्स की बात करो, मेडिकल वर्कर्स की लिस्ट में आप हमारे जितने जर्नलिस्ट उनको लिस्ट करके शामिल करें, उनको भी वैक्सीन की पहले जरूरत है, क्योंकि वो भी इस तरह खड़े होते हैं, उनको भी हर जगह जाना होता है, और हुकूमत को पाना चाहिए अगर उनकी किसी प्रेशर में नहीं आते तो मालिक को फोन कर चला जाता है कि आपका रिपोर्टर नहीं आया, रिपोर्टर दूसरे फायर हो जाता है, तो कम से कम गिव देम वैक्सीन। और मैं लिख भी रहा हूं लेटर हेल्थ मिनिस्टर को भी और जो लोग सरकर्दा लोग हैं कि आप इसको फ्रंट लाइन में लेके आए, और जो आप वैक्सीन अपने मेडिकल वर्कर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मंगवा रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए मंगवा रहे हैं, इनको भी डॉक्टर्स का दर्जा दें, ये भी डॉक्टर्स हैं, ये पाकिस्तान की डॉक्टरी करते हैं, ये पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, ये घरों में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आई होप द गवर्नमेंट विल कंसिडर इट, नहीं होगा तो मैं असेंबली में उठाऊंगा कल, दिस शुड बी डन। अच्छा, दूसरा एक उनका पोर्शन था, देखें इस वक्त दुनिया डिजिटल चीज की है और डिजिटल ही से सब कुछ चलता है, पाकिस्तान ने अभी तक डिजिटल पॉलिसी नहीं बनाई। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि साइबर क्राइम लॉ एक सेपरेट चीज है, साइबर सिक्योरिटी एक सेपरेट सेक्टर है जिस पे अभी तक अभी लॉ नहीं हम लेके आए। इसी तरह जो डिजिटल सेक्टर है वो भी सेपरेट है, डिजिटल में तो हर कोई आता है ना, तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल पॉलिसी होनी चाहिए, और जो मीडिया के लोग अपने यूट्यूब या कोई चीज़ चला रहे हैं, जो अपना अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करें ताकि भी सेक्टर रेगुलेट होके चल सके। ये ना हो कि वो एक बेचारा यूट्यूब खोलता है, उसके मुंह से गलती से किसी का नाम निकल जाता है तो दूसरे उसको जेल में डाल देते हैं, और उसके खिलाफ कहाँ केस होता है, साइबर क्राइम का। तो अगर डिजिटल पॉलिसी होगी और उसको भी एक लाइन के साथ आप लोगों ने उसको पैरामीटर्स दिए होंगे, तो जब वो फॉलो कर रहा होगा उसको, तो फिर उसके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एक एक्शन ही हो सकेगा। आपका यही मतलब कहने का था या और भी कुछ पूछना चाहते हैं आप?
मेरा मतलब तो ये था कि मैंने आपसे ये पूछा था कि इस वक्त इंडिया जो है वो इस डिजिटलाइजेशन के साथ खेल रहा है, जो पाकिस्तान के साथ जितना भी उसका वो है, तो आप इसके ऊपर बताएं कि मैं ये कहता आपने साहब, मैंने तो पहले क्लियर कर दिया ना कि वो तो हैकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूट्यूब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामे बना के डाले हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे डाले हैं उन्होंने जो कि हमारी जो नस्ल को खराब कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमें भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए और इंडिया से बेहतर बनानी चाहिए और पाकिस्तान के मफाद में बनानी चाहिए, और सबसे पहले उस पॉलिसी को बनाते हुए तो पाकिस्तान का मफाद 1, 2, 3, 4 सामने रखें। जी देखिए वो रेगुलेटर कहलाते हैं ना, तो मैंने वही अर्ज किया ना कि अगर आप कानून बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रेगुलेटर आ जाएगा, तो रेगुलेटर होना चाहिए। तो आप, मैं इसलिए क्यों नहीं कर रहा हूं, आप सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, मैं एक कमेटी बना देता हूं, आप फिर कार्ड आप कानून बना दें, मैं ले जाता हूं वहां पे असेंबली में, आप खुद चूज कर लें जो आप समझते हैं कि जिनको डिजिटल का कुछ पता है, तो आपको मैं वकील भी दे दूंगा कल लॉ मिनिस्ट्री से या दूसरी जगह से, तो आप एक कानून बना के लिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू जैसे मैंने पहले बहुत दफा किया। जी सर, पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है और हमारे हुक्मरान इस हवाले से आगाह भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं अवाम को, लेकिन अवाम ये जानना चाह रही है कि ऐसा क्या है कि जब इंडिया झूठा इल्जाम लगा के भी आलमी बरादरी के आगे सच्चा साबित हो जाता है और हमारे पास जो एविडेंस होते हैं उसको आलमी बरादरी सच्चा नहीं मानती। देखें, आई होप के कुछ लोग गवर्नमेंट में और मेरे सीनियर पॉलिटिशियंस को बुरा नहीं मनाएंगे। सर असल में 72 ईयर से हम इंडिया की पिच पे खेल रहे हैं, इंडिया बनाता है पिच, एक स्टेटमेंट देता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। हमने आज तक अपनी पिच नहीं बनाई, ना कश्मीर पे बनाई है, ना हमारा जो नैरेटिव है उस पे बनाई है, और गेम उसी वक्त होती है जब पिच अपनी हो, जब किसी की पिच हो तो आप मार खाते हैं। आप मेरी बात समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं ना इमरान खान साहब को, इकट्ठे हो जाए अपनी पिच बनाए, आप तो क्रिकेट खेलते नहीं, आपको पता है अपनी पिच पे ही आप सीखते हो, बनाओ पिच अपनी और एक पैरामीटर बनाओ, साइन कराओ सारी पार्टियों के चार चीजों पे हम आगे एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, एक आपकी सिक्योरिटी, एक पाकिस्तान की इकोनॉमी और दूसरी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और तीसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको देख लें आप, और कश्मीर का मसला जो है। इंडिया आपका अजल से दुश्मन है, वो दुश्मन रहेगा, वो पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करने के लिए सर कोई चारा नहीं छोड़ेगा। अब देखना ये वाली बात कि हम अपनी काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर मूव क्या करते हैं हम, और अगर हम यही रखेंगे डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने कह दिया उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया, नो, लेट्स कम अप विद समथिंग सीरियस अगेंस्ट देम। ये चले जाए दो केस लेके आईसीजे में और आईसीसी में, अगर ये कल जाए एक महीने के बाद आप देखेंगे कि मोदी कह रहा होगा कि मुझे पाकिस्तान का टूर करना है। ऐसे नहीं होता मेरी जान, जब तक नकेल डाना डाली जाए आपका अपना पालतू भी काबू नहीं रहता, तो यू विल हैव टू, इसको नस डालनी पड़ेगी, नकेल डालनी पड़ेगी इस प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि ये एक टेररिस्ट है, आरएसएस की पैदावार है, और आरएसएस की पैदावार से साथ का अमित सिंह है, डोवल भी उसके साथ है, वो सारे लोग, इवन उसका आर्मी चीफ साथ था जब पुलवामा में उसने किया, कभी सोचा 352 केजी वेट का एक गाड़ी लेके जाएगा और उसी तरफ जा रही है गाड़ी, वो जिस तरफ से कार्रवाई आ रही है दूसरी तरफ लेन खाली है, तो जब तक ये बताया ना गया हो वहां पे चेक पोस्ट पे ये जाएगी जाने दो। तो मैं ये बताऊं कि ये इसका टोटल रोल था, मैं इंडिया के अवाम से अपील करूंगा ये मेरी बात पे ना यकीन करे, खुद वेरीफाई कर ले। मैं ये कोशिश करता हूं ये किताब को मैं आम करूं, पढ़े इसको, ये इसके इलेक्शन होने से पहले की है तफसील, ये बिल्कुल ये फैसला कर चुका था, वो समझता है कि मैं इंडिया की अवाम को बेवकूफ बना सकता हूं, पहले उसने बेवकूफ बनाया उनको, अब दोबारा बेवकूफ बनाया उसने, और ये तीसरी दफा बनाने की कोशिश करेगा, और आरएसएस के जरिए, डंडे के जरिए, तलवार के जरिए, अपनी गन के जरिए ये इलेक्शन जीतेगा। तो अगर आपने आज काबू ना किया तो मुझे हिंदुस्तान के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बता रहा हूं, मोदी फिट फॉर इट, हालांकि रहेगा तो जल्दी होंगे, लेकिन इंडिया अगर इंटैक्ट है और पाकिस्तान के साथ इक्वल लेवल पे दोस्ती रखता है तो वी कैन बिकम अ स्ट्रेंथ।
कश्मीर का मसला हल करो, आओ मिलकर बैठो, कंपोजिट डायलॉग करो। वो कंपोजिट डायलॉग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी साहब की एक दी हुई सियासी सोच को और एक सियासी प्लान को लेकर चले थे, आओ लेके वो चले। क्योंकि दुनिया में सियासत, इंटेलिजेंट वे ऑफ डीलिंग एंड एक कहते हैं फास्ट एंड स्मार्ट डिप्लोमेसी, अगर ये फास्ट और स्मार्ट डिप्लोमेसी नहीं करेंगे तो हमारे लिए अंधेरा है। रोशनी करने के लिए बढ़ो आगे हिम्मत से और फिर से वो और टेक हिम टू द कोर्ट, सी कैसे ठीक होता है ये। मतलब साहब इस वक्त भारत के अंदर सिख फार्मर्स जो हैं, भारत के अंदर सिख फार्मर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है, और जो वहां पे कम्युनिटीज के साथ जो वहां पे किया जा रहा है वहां पे 70 से ज्यादा। देखें जी, इंडिया में जो अकलीती लोग हैं उनके लिए मुसीबत ही है, सिख भी अकलीती है। अगर यही कहीं कोई राजपूत कर रहा होता तो ये जाके जजमान कह के हाथ जोड़ के अपने मोदी खड़ा होता, आइए जनाब तशरीफ लाइए, क्योंकि वो सरदार हैं, वो अकलियती हैं, उनके पास वो पावर नहीं है जो उनके साम्राज्यों के पास है, जो उनके बड़ी क्लास के पास है, जो अपर क्लास कहलाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो भरपूर किस्म का एक साइड भी लेता हूँ उनकी, और वो मैं कंडेम कर रहा हूँ जो इंडिया उनके खिलाफ करता है, कर रहा है या आगे करेगा, और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अगर ज़्यादा बोला तो कहेंगे शायद पाकिस्तान करा रहा है, लेकिन ये वो खुद करा रहे हैं। जब किसी पे जुल्म होता है और जो जुल्म हद से बढ़ जाता है उसकी शक्ल में आप आज देख रहे हैं सिख कैसे सामने आए हैं, और वे पीछे नहीं हटेंगे मुझे लग रहा है। थैंक यू। आप भी कहें देखे। आसिफ अली जरदारी साहब का एक मैं उनके साथ बहुत पुराना काम कर रहा हूँ, जहां पाकिस्तान का मफाद आएगा जरदारी साहब उसको प्रोटेक्ट करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई लीडर था जिसके साथ मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की हो रही थी, उसने थोड़ी सी नेगेटिव बात की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जरदारी साहब ने कहा मलिक साहब उठे चले। तो मुझे ये यकीन है और यकीन है मुस्तकम है कि अगर आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की फेवर में अगर कौम उनको एतमाद में लेती है तो मैं ये समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और पाकिस्तान में इस वक्त जो पोलराइजेशन है उसका खात्मा होना नहायत ही जरूरी है। वो हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं कि यार कितनी की यूनिट इस मुल्क में, जब वो देखते हैं कि तो खुद एक दूसरे मार रहे हैं, ठीक है लड़ने दो इनको, आए लड़ना बंद करें कौमी मफाद में और यूनिटी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करते हुए। कायदे आजम का वो कॉल, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये तीनों अल्फाज को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह आपका भी हामी और नासर हो, और अल्लाह करे कि कश्मीरियों के लिए भी आज़ादी का वक्त आए और हमारी हुकूमत भी कुछ आगे लेके चले। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा कर लीजिए, भाई कर लीजिए, दुआ कर आप करा रहे। चलिए शुक्रिया जी आपका, याद लाना मेरी बहन के लिए दुआ। बहुत बहुत